खुदागंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहापुर के थाना खुदागंज का है, जहां थाना खुदागंज पुलिस टीम व एसओजी टीम की संयुक्त पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस टीम ने पशु चोरी कर तस्करी करने वाले 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों के पास से 3 अवैध असला में 6 कारतूस व 2 अदद नाजायज चाकू बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार किए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जनपद न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। ऐसा है, उनकी चोरी की सूचनाएं काफी दिनों तक थाना क्षेत्रों से, इसमें यह शिकायत थी कि साहब वो पिकअप से गाड़ी पिकअप गाड़ी लगाते हैं और नशे को वहाँ से ले जाते हैं। इस पे हमारी एसओजी की टीम और थाना खुदागंज की भी टीम लगी हुई थी, क्योंकि एक पिकअप जो है वो थाना खुदागंज से इन्होंने यूज़ किया था करीब 2-2.5 महीने पहले, तो उसी आधार पर इनको इलेक्ट्रॉनिकली भी डिजिटली भी इसको एनालाइज किया गया और उस आधार पर पूरा गैंग प्रकाश में आया। इस पर इनका निगरानी निरंतर चल रही थी। कल या रात को सूचना मिली कि ये गैंग जो है वो थाना खुदागंज क्षेत्र में भी कोई वारदात करने की किसी प्रकार की आ रहा है। इसी पे एसओजी की टीम और थाना खुदागंज की टीम द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन में मुठभेड़ में इस गैंग को गिरफ्तार किया है। इस पर 5 सदस्य गिरफ्तार हुए सरगना से, और इनसे पूछताछ पर प्रारंभिक पूछताछ में उन्होंने बताया कि ये एक याहिया नाम का व्यक्ति है जो इस वक्त जेल में है, वहाँ से उसके पिकअप गाड़ी लेके आते थे। जब वहाँ गाड़ी उपलब्ध नहीं होती थी तो किसी से किराए पे पिकअप की गाड़ी ले लेते थे और पहले से रखी करके वहाँ जो इस तरह की भैंसें हैं जहाँ उनको खुलना आसान हो वहाँ उनके चारों पैर बांध के और पट्टी लगाकर उस पर चढ़ा लेते थे गाड़ियों पर। और उसके बाद बरेली में एक स्लॉटर हाउस है जो मंडी के पास है, उन्होंने बताया वहाँ पर इसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, बेच देते हैं। तो इसमें इनके द्वारा जो कार्य की गई घटनाएँ हैं वो केवल जनपद शाहजहाँपुर तक सीमित ना रहा था। इन्होंने बहराइच में, हरदोई में, बाराबंकी में, लखनऊ में और सीतापुर में, इन जनपदों में भी इन्होंने घटना किया जाना बताया है। संबंधित जनपदों से संपर्क किया गया है और उसके आधार पर उस स्तर पर भी वहाँ की कार्रवाई करने की पूछा है, अनुरोध किया गया है। ये बहुत अच्छा गैंग है जिसपे ये अंतर जनपदीय वाहन चोर हैं, ये मवेशी चोर हैं, जिसमें कुछ पीलीभीत के लोग हैं, कुछ यहाँ के लोग हैं। इस गैंग के ही संपर्क में लोग एटा के भी हैं जो हम लोग के इसमें आया है वर्कआउट में, तो उन पर भी कार्रवाई हम लोग अगर उनकी मूवमेंट इस जनपद में मिलती है उन पर भी कार्रवाई करेंगे। तब तक हम लोग जनपद एटा को भी इस संबंध में सूचित कर रहे हैं कि इनके संपर्क ही वहाँ पर भी नहीं है।